राजनीतिक गतिविधियां हैं। ये लोग आम जनता की आवश्यकता को नजरअंदाज करते हुए अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में लगे हैं। उक्त बातें सोएब अहमद खान ने कही। उसने कहा कि शिक्षा ही एक ऐसा मंत्र है जिसके माध्यम से सामाजिक अस्तित्व को बचाया जा सकता है एवं समाज को नया रूप दिया जा सकता है। इस चुनाव में अगर जनता का समर्थन रहा तो सभी असामाजिक कुरीतियों को दूर करना हमारा लक्ष्य होगा। शिक्षा और शिक्षक की स्थिति अगर सुदृढ़ होगी तो एक अच्छा और सुदृढ़ समाज बनेगा और देश का नाम रोशन होगा और उसकी सरकार शिक्षकों को मान सम्मान के लिए उसकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए वचनबद्ध होगी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही हमारी पहली प्राथमिकता होगी। उसने किसानों को वाजिब हक एवं अधिकार, बिजली दरों में कटौती, दरभंगा शहरी क्षेत्र में जल जमाव की समस्या से निदान, चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं उत्कृष्ट बनाना, मिथिलांचल के धरोहर को पर्यटक स्थल के रूप में परिवर्तित इत्यादि उचित कदम को प्राथमिकता दी। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए MB News 24।